हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? ठीक उम्मीद है। करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। अभी देख लीजिए, 5:25 हो रहा है और शिवम देखिए ऐसे ही बैठा हुआ है। ऐसे वो यार लगती है, देखिए जब भी बोलूंगी ना, दिखाऊंगी इसको कैमरे में, तो हो यार बस देखिए कैसे है। बस देखिए, कंबल में दुबक रहा है, कैमरे में आना नहीं चाहता है। क्या करूं, दो दिन से मैं हिंदूराव जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि कल गई थी ईसीजी कराने तो कल मना कर दिया था, बोला था पहले ब्लड टेस्ट कराने, तो आज मैं फिर गई थी ब्लड टेस्ट कराने। अब देखती हूँ, फिर सोमवार को बुलाया है रिपोर्ट लेने के लिए, तो फिर देखती हूँ सोमवार या मंगलवार को जाऊँगी। तो ईसीजी भी करवाना है और डॉक्टर से दिखाना है, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी लेना है। आज फेस मेरा फिर सूजा हुआ लग रहा है, बड़ा भारी भारी फेस हो रहा है मेरा। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और कपड़े भी धुले नहीं, ये सब सूरज का कमाल है, कुछ तो धुले कुछ भी ना धुले, रस्सी पे टांग रखा है, कपड़ा ही बहुत ज़्यादा सबका हो जाता है, क्या करूँ ठंड में। और मैं एक काम के लिए सोच रही थी अपना कुछ बिजनेस, अब अभी तो कुछ हुआ नहीं है वैसा, इस वजह से आप सबको भी बता ही नहीं, सरप्राइज है आप सब लोगों के लिए। जब मेरा काम पूरा होगा तो फिर आप सबको बताऊंगी। और आज खाना तो मैं आई हूँ हॉस्पिटल से, तो सुहानी दाल फ्राई बना रखी थी, कि मैं रोटी बनाई हूँ सबको ये खा लिए। मैं तो रात में पुलाव बनी थी मटर वाली, तो मैं वही गरम करके खाई हूँ, और तब से मैं कंबल के नीचे दुबकी पड़ी थी, दुबकी हुई हूँ। अभी मैं उठी हूँ, सोची थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ इधर से, और आज साड़ी पहन रखी हूँ, इस वजह से ठंड भी ज़्यादा लग रही है। आज हॉस्पिटल गई थी तो सोची आज ऐसे भी शनिवार को मैं ब्लैक पहनती हूँ, तो इसमें ब्लैक मिक्स है देखिए, या इस वजह से मैं आज साड़ी पहनी हूँ। कैसी लगती हूँ कमेंट में बताइएगा, आज कैसी लग रही हूँ मैं। और शिवम के लिए थोड़ा कमेंट कीजिए, क्योंकि इसे ठंड नहीं लगती है, ये ठंडी में भी कपड़े नहीं डालता है, ऐसे ही कपड़े खोल के लेटा रहता है, बैठा रहता, दिन भर इसको मोबाइल चलाना है, कोई काम नहीं करना चाहता। मैं इसके लिए कोई काम सोच रही हूँ कि अपने साथ इसको भी कोई काम में लगाऊँ, अब देखिए क्या होता है, अभी तो बस सोच ही रही हूँ। अकेले तो मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा, अगर ये सब सपोर्ट करेगा तो कर लूँगी, बाकी देखते हैं प्रभु की इच्छा क्या होती है। तो फ्रेंड, मैं अभी अपने ब्लॉग को एंड करूँगी यहीं पे, बस आप सबसे थोड़ी सी मुलाकात करनी थी अपने ब्लॉग के माध्यम से, किसी वजह से सोची ब्लॉग बना लो, काम तो भी कुछ हुआ नहीं है, खाना तो बनाते समय घर से ब्लॉग में दिखा नहीं रही हूँ। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, जो जो मैं देखते हैं मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर नए वीडियो में मिलती हूँ, बाय।